भूतिया दुनिया में रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार आने ही वाला था। सभी तरफ दुकानों पर बढ़िया बढ़िया राखियां और तोहफे बिक रहे थे। भाई, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी राखी लेकर आऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे आपसे इस बार गिफ्ट में एक अच्छा सा मोबाइल फोन चाहिए, तभी मैं आपको राखी बांधूंगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कटोरा लेकर अभी तेरे गिफ्ट के लिए पैसे जमा करने निकलता हूँ। आह भाई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं भी सीरियस हूँ भैया। इंसानी दुनिया में तो ये खट्टी मीठी भाई बहन की अनबन जारी थी, लेकिन आज तक हमने बस इंसानी दुनिया का ही रक्षाबंधन देखा है। चलो आज ले चलते हैं आपको भूतिया दुनिया के रक्षाबंधन में। भूतिया दुनिया का रक्षाबंधन भी बस इंसानी दुनिया की ही तरह आने वाला था। सभी भूत चुड़ैल भी रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बहुत उत्सुक थे। भाई, रक्षाबंधन पर इस बार मुझे तुझसे कुछ खास चाहिए। रहने दे, मुझे मत बता। कैसा भाई है रे तू? भूत भाई। चल ज्यादा बकवास मत कर, वरना तेरी ढाकी चिक्की कर दूंगी। और शांति से मेरी बात सुन। सुना। सीमा ने रोहित के कान में कुछ फुसफुसाया। रोहित उसे सुनकर मुस्कुराने लगा। ये गिफ्ट देना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मेरा बायां हाथ घायल है। बहन, तू सब कुछ अपने भाई के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि मुझे तेरी जरूरत पड़ जाए। भाई, तू तो भूत होकर भी एकदम लल्लू है। चल निकल अब यहाँ से। भूत चुड़ैल आपस में बात करके चले गए। रोहित ने इंसानी रूप लिया और वो अपनी बहन की इच्छा पूरी करने इंसानी दुनिया में आ गया। इंसानी दुनिया में भी रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। अरे वाह, कितने सारे इंसान हैं। अरे भाई, सामने से हट। हट रहा हूं। रोहित बाजार में बीचों बीच खड़ा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि वो एक भूत है। सभी राखी वगैरह खरीदने में ही बिजी थे। अपनी बहन का तोहफा मुझे यहाँ नहीं, किसी सुनसान जगह में ही मिलेगा। आखिर रोहित की बहन ने ऐसा क्या मांग लिया था जो रोहित उसे इंसानी दुनिया में लेने आया था? जानने के लिए देखते रहिए। चल रोहित, दिखा दे अपना कमाल। रोहित बाजार से हवा की रफ्तार से निकल आया और वो एक कॉलोनी में आ गया, जहां दोपहर के समय बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। यहां मुझे जरूर कुछ मिल जाएगा। वो कुछ देर चला, चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी, और उस घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही है शायद मेरी मंजिल। रोहित उस घर में घुस गया। उस घर में घुसते ही रोहित को एक लड़का दिखाई दिया। कौन है तू? और मेरे शरद ऐसे बोल ही रहा था कि रोहित ने एक चुटकी बजाई और वो लड़का बहुत छोटा हो गया। रोहित ने उसे उठाया और एक शीशे के जार में बंद कर दिया। पैरों में बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान ने मचाया शोर। तभी तो कहते हैं सब दरवाजे कर लो बंद, वरना आ जाते हैं चोर। छोड़ दो मुझे, रोजी। ए, इस रोजी वोजी को बाद में बुलाना, अभी तो चल मेरे देश। रोहित ने इसी तरह जार में बहुत सारे इंसानों को बंद कर लिया और वो उन सभी को अपने भूतिया दुनिया में ले आया। ये कौन सी जगह है? अरे कौन है तू? रोहित, नाम तो सुना ही होगा। बेकार की बातें मत बना और इन सभी इंसानों को वहाँ तहखाने में बंद कर दे, वरना कहीं ये हमारी भी ढाकी चिक्की ना कर दे। रोहित सभी इंसानों को तहखाने में डाल आया। वहाँ पर शरद के सिवा भी बहुत सारे इंसान थे, लेकिन देखने वाली बात थी कि वो सभी लड़के ही थे। ये लोग हमें यहाँ क्यों लाए हैं? पता नहीं, शायद ये हमारी बलि लेकर अपना रक्षाबंधन मनाएंगे। अभी उस आदमी ने ऐसा बोला ही था कि तभी एक बहुत ही बड़ा भूत वहां आया। तुम्हारी सभी की जरूरत है, चलो आओ हमारे त्योहार की तैयारी करवाने में मदद करो। वो भूत सभी इंसानों को बांध कर ले गया और उन सभी को मजदूरी करने को बोला। ये रहा सारा सामान, कल तक हमारे समारोह के लिए ये जगह बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए, वरना तुम सभी इंसानों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। भूतिया दुनिया में सभी भूतों ने इंसानों को काम पर लगा दिया। जिन इंसानों ने कभी मजदूरी का नाम भी नहीं सुना था, उन्हें भी आज मजदूरी करनी पड़ रही थी। अरे तो मर्द है भी या नहीं? क्यों? वो कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए पूछ लिया। शायद ये सारे भूत चुड़ैल अपनी जिंदगी में शाहरुख सलमान ही थे।
ए, बकवास मत कर और काम पर ध्यान लगा। सभी इंसान रक्षाबंधन की तैयारियों में लगे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ रोजी का अपने भाई के लिए रो रो कर बुरा हाल था। भाई आप कहाँ हो? रोजी की सहेलियां उसे संभाल रही थी। रो मत रोजी, ये ले नाक साफ कर। शुक्रिया। किसी को नहीं पता था कि आखिर शहर से लोग कहाँ गायब हो रहे थे। जहाँ इंसानी दुनिया में रक्षाबंधन की सुबह थी, वहीं भूतिया दुनिया में रात हो चुकी थी और आज उनका रक्षाबंधन था। ला भाई मेरा तोहफा दे। मेरा भी और मेरा भी। बच्चे की जान लोगे क्या? देता हूँ। जैसे इंसानी दुनिया के दोपहर के 12 बजे, भूतिया दुनिया के भी रात के 12 बज गए। 12 बजते ही भूतों ने आग के गोले आसमान में छोड़ने शुरू कर दिए। रक्षाबंधन मुबारक। चुड़ैल बहनों ने अपने अपने भाइयों की गर्दनों में कंकाल खोपड़ियों की माला पहनाई। कोई बहन अपने भाई से कटोरे भरकर खून मांगती तो कोई ढेरों शक्तियां, और भूत उनकी इच्छाएं इंसानों के खून से पूरी कर रहे थे जिन्हें वो बंदी बनाकर लाए थे। रोहित ने भी अपनी एक बहन को इंसानी खून का प्याला दिया और दूसरी को जार में बंद हुए इंसान। खुश रहो। अब मेरी बारी है, मेरा तोहफा कहाँ है? देता हूँ। रोहित ने जोर जोर से एक भूतिया मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वाह, अब मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगी। सीमा ने अपने भाई से शक्तियां तोहफे में मांगी थी। वो शक्तियां उसे 100 इंसानों की बलि चढ़ाने से प्राप्त होती। रोहित अपनी बहन के लिए 100 इंसानों को लेकर आ चुका था। सभी तरफ खून की नदियां बह रही थी। भूत अपना रक्षाबंधन इसी तरह से मनाते थे। उन 100 इंसानों में शरद भी था। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी शरद बोल पड़ा। रुक जाओ, तुम इस तरह इंसानों की जान नहीं ले सकते। मैं तेरी इतनी बात क्यों मानूं? क्योंकि सिर्फ तुम लोग ही रक्षाबंधन नहीं मना रहे हो, हमारी बहनें भी हम सभी का इंतजार कर रही हैं। जरा सोचो, तुम भी एक भाई हो और हम भी। अगर रक्षाबंधन पर तुम्हारी बहन तुम्हें राखी न बांध पाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? शरद की बात सुनकर सभी भूत चुड़ैल शांत हो गए। बोलो, अगर तुम्हारी बहन रात तक तुम्हारा इंतजार करे और तुम कभी लौट कर ही ना आओ तो? बस कर भाई, रुलाएगा क्या? भाई पागल मत बन भाई, और इसकी बातों में मत आ। जल्दी से इस इंसान से शक्तियाँ। चुप कर, वरना एक दूंगा तुझे कान के नीचे, कान सूज जाएगा। अभी तुझे शक्तियाँ दिलवाऊं? लगता है तुम समझदार भूत हो। देखो, हमारी बहनें भी राखी के लिए हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए हमें छोड़ दो। बिल्कुल, आराम से जाना और घर पहुँच कर चिट्ठी लिखना। रोहित ने सभी इंसानों को आजाद कर दिया और उन्हें वापस इंसानी दुनिया में छोड़ दिया। ए ये बददिमाग, हमारा भाई फीलिंग की दुकान है, पता नहीं इसे भूत किसने बना दिया, मेंटल कहीं का। भूतों का रक्षाबंधन तो कुछ इस तरह से मना, तो वहीं दूसरी तरफ। आप आ गई भाई, कहाँ थी अब तक? मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे अरे गोलू सुन तो। सभी इंसान भूतिया दुनिया से लौट आए। जिस जगह से भूत चुड़ैल इंसानी दुनिया में आते थे, शहर के लोगों ने मिलकर उस रास्ते की घेराबंदी करवा दी। और फिर सभी इंसानों ने भी शांति से रक्षाबंधन मनाया और दोनों दुनिया में शांति आ गई। ये तो जानते हैं कि माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। दुनिया में एक माँ अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ ऐसा ही शीला नाम की चुड़ैल ने किया था। क्या हुआ, सुनकर अजीब लगा ना? हाँ, चुड़ैल ने किया। हालांकि वो सब करते नहीं है, पर ये चुड़ैल एक माँ थी जिसकी 2 और 5 साल की 2 छोटी बेटियां थी। दरअसल वो एक किशनगंज नामक रेलवे स्टेशन पर अपने बच्चों को पालने के लिए सामान ढोकर कुली का काम किया करती थी। रात के 10 बजे साबरमती एक्सप्रेस वहां रुकती है, तभी एक गगन नाम का यात्री शीला को देख कर कहता है, सुनिए बहन जी, आप कुली है ना? सामान बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा ये सामान उठा लेती? जी भाई साहब जरूर। राधिका बिटिया, तुम रूही का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में यहीं पर आती हूँ। फिर शीला उसे गगन नाम के व्यक्ति का सामान उठाकर बाहर ले जाती है और टैक्सी में रखवा देती है। थैंक यू, कितना हो गया? साहब 100 रुपए। फिर शीला पैसे लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो महेंद्र नाम का व्यक्ति बहुत सारा लगेज लाते हुए कहता है, अरे वाह, ये औरत तो बड़ी कसूती लग रही है, समा भी रात का है। हाय, इसकी कमर कितनी मक्खन लग रही है। ए, जरा सुनिए,
वो मुझे सामान उठवाना था। मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है और साथ में कोई है भी नहीं। जी साहब, मैं रेडी लेकर आती हूँ। फिर शीला सामान ढोने वाली रेडी लाती है, उस पर सामान रख कर प्लेटफॉर्म तक जाती है। सामान रखने के बाद भी महेंद्र उसे गलत नजरों से देखता रहता है और आसपास कोई ना होने का फायदा उठाने की सोचता है। साहब, मैंने सामान रख दिया है, 300 रुपए हो गए, जल्दी दे दीजिए, मेरे बच्चे अकेले हैं। हाँ हाँ, ये लो अपने पैसे, पर इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या है। इतना कहते ही महेंद्र उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। आपको शर्म भी है, मेरी उम्र से कितने बड़े हैं आप, और इतनी नीच हरकत। तो क्या हुआ, उम्र का क्या करोगी, दिल मेरा आज भी जवान है। देखो, शराफत से मुझे पैसे दे दो और मेरा हाथ छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं अंजाम को भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है तो देखो और भुगतो। इतना कहते ही शीला अपने इंसानी रूप से चुड़ैल रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो महेंद्र का गला पकड़ लेती है। बोला था ना मैंने, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। तूने मुझे क्या समझा था कि मैं कमसिन औरत अकेली हूँ? अकेली तो हूँ पर एक चुड़ैल हूँ, और ये चुड़ैल तेरा क्या करेगी तू सोच भी नहीं सकता है। अपनी जिंदगी खत्म करने की वजह दी है तूने मुझे। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने मुझ पर गंदी नजर डाली है, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना पड़ेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों को उसके पेट में घुसाकर मार डालती है। किसी को इस मौत के बारे में पता नहीं चलता, पर अपने आसपास देखकर चुड़ैल शीला वापस से आम इंसान बन जाती है और अपने बच्चों के पास चली जाती है। राधिका बेटी, परेशानी तो नहीं हुई? और रूही खाना मांग रही थी क्या, तुमने उसे कुछ खिलाया? माँ, आपके बिना ये कुछ नहीं खा रही है, रो रही थी, आप ही इसे खाना खिला दीजिए। कुछ नहीं खाया इसने, दाल का पानी तक नहीं पिया। रूही बेटा, लो चीजी खा लो, गुस्सा नहीं करते? नहीं मम्मा, अब मैं तो पालनी गलती, आप मुझे झोल तल तली जाती हो, बार बार मुझे नहीं दाना दाना। अच्छा, अब अपनी रूही चूही बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी बेटा, तो तुम्हारे लिए खाना कैसे बनाऊंगी, तुम्हें स्कूल कैसे भेजूंगी? अभी तो बड़ी दीदी स्कूल जाती है, तुम भी बड़ी होकर स्कूल जाने लगोगी। आप तो भी ले जाऊंगी मम्मी दूल। मम्मा, बहुत देर हो गई है, अब घर चलकर अपने हाथ से खाना भी खिला दो, मैंने भी कुछ नहीं खाया है और आपको खाना बनाने में टाइम भी लगेगा। हाँ चलते हैं। ये मजा आएगा ना, अब मिलू। फिर शीला अपने बच्चों को घर ले जाती है, जो कि रेलवे स्टेशन के काफी नजदीक था, और जादू से अपने हाथ से खाना बनाकर खिला देती है। तुम्हें लोरी सुना देती हूँ। सुन सुन नन्ही लोरी सुन, हो जा मीठे सपनों में गुम, तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है। फिर चुड़ैल शीला अपनी गोद में दोनों बच्चों का सर रखकर उन्हें लोरी गाकर सुनाती है, और अगले दिन दोनों बच्चों को उनकी मन पसंद चीज दिलाती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर चुड़ैल मन में कहती है, आखिर मैं इतना सब क्यों करती हूँ, ताकि मेरी दोनों बेटियाँ बहुत खुश रहें। इनके पिता और माँ की कमी तो मुझे ही पूरी करनी है, वो तो अच्छी बात है कि मेरी बेटियों को मेरे बारे में पता नहीं चला। मम्मी, यह गुड़िया बहुत अच्छी है, शुक्रिया। हाँ मम्मा, मैं ली भी। जल्दी चलो रेलवे स्टेशन पर, मुझे काम भी करना है। फिर शीला चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों को घर पर छोड़ देती है और आम इंसान की तरह रेलवे स्टेशन पर अनेक अनेक यात्रियों का सामान उठाकर पैसे कमाती है। जब सामान भारी हो जाया करता था या रात में कोई उसके आसपास नहीं होता था, तब शीला अपने चुड़ैल रूप में आकर जादू से सामान को उठाकर रखा करती थी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता है, पर फिर 2-4 लोग रात में उसे चुड़ैल रूप में देख लेते हैं। हे भगवान, ऐसा क्या रखा है इन बैगों में जो मुझसे कुछ उठ नहीं रहा है, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं रात का फायदा उठाकर चुड़ैल बन जाऊं, ऐसे ही सामान उठा सकती हूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे भी तो चाहिए हैं। चुटकी बजाते ही शीला चुड़ैल रूप में आकर सामान को जैसे ही उठाती है, तो कुछ छुपे हुए लोग उसे देख लेते हैं और सामने आकर कहते हैं, देखो देखो वो रही चुड़ैल,
मैंने कहा था ना, हमारे रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल घूम रही है। ये वही चुड़ैल है जो अपने जादू से सामान उठाकर रखती है। लगता है ये हम सबको मारना चाहती है। तांत्रिक बाबा को बुलाओ, अब इसका अंत होकर ही रहेगा। ये सुनकर चुड़ैल का हवा में उठा हुआ सामान जमीन पर गिर जाता है और वो घबरा कर हाथ जोड़ती है। देखिए देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, उनको पालने के लिए मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरी मजबूरी है। प्लीज तांत्रिक बाबा को मत बुलाएं। हम तुम्हारा कैसे विश्वास करें, चुड़ैलों पर कोई भरोसा थोड़ी कर सकता है। अगर मुझे मारना होता तो अब तक मैं मार देती, पर मैंने एक साल से किसी को नहीं मारा। मैं जब से यहाँ हूँ, बस कुछ दिन पहले एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी करी थी, तभी मैंने उसे मार दिया था। ऐसा क्या हुआ था जो तुम ऐसा कर रही हो? दरअसल एक साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया। वो बहुत नशे का सेवन करते थे और मेरी दो बेटियाँ थी, रोई तो मेरी गोद में थी। ना मेरे पास घर था, ना खाना, ना ठिकाना। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? मेरी रूही तो बहुत छोटी है। अरे यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहीं पर सामान उठाने का काम कर लूंगी। शीला बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहाँ कुली का काम करने लगती है और पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक यात्री को सामान देने के चक्कर में वो ट्रेन के पीछे पीछे भागती है, जिससे प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है और वो पटरी पर जा गिरती है। इतने में पीछे से एक ट्रेन आकर उसे कुचल देती है, जिसके बाद वो मर कर चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो चुड़ैल बन गई। दोनों छोटी छोटी बेटियों को कौन पालेगा? उनके सर पर ना पिता का हाथ है और ना अब माँ का। मेरी बच्चियों का अब क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं ही उन्हें पालूंगी। फिर चुड़ैल इंसानी रूप में आकर रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करती है। बस तब से मैंने अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए रेलवे स्टेशन पर ये काम किया। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी जब मेरे दोनों बच्चे अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी बात सुनकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह रेलवे स्टेशन के लोग चुड़ैल की मजबूरी समझते हैं और उसे वहाँ रहने और काम करने की इजाज़त दे देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल शीला इंसानी रूप में रेलवे स्टेशन पर बिना किसी को नुकसान किए सालों तक अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर राधिका 18 वर्ष और रूही 16 वर्ष की हो जाती है। चुड़ैल उसे अपनी सच्चाई के बारे में बता देती है और राधिका 12वीं की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगती है। बेटी, अब तू अपना और अपनी बहन का ख्याल रख सकती है। अब मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। अपना ख्याल रखना बच्चों।